देखिए आज हम आपको पेड़े बनाकर दिखाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और ये बहुत मिनटों में बन जाते हैं, बहुत कम समय लगता है इनमें बनाने में। और इनमें कोई ना गैस जलाने का काम है, ना दूध का है, ना मावे का है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। देख सकते हैं आप कितने ये सॉफ्ट और कितने बढ़िया हमारे पेड़े बने हैं। ये आप इन्हें प्रसाद के रूप में या कहीं जा रहे हैं तब बना सकते हैं, अगर आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं तब भी आप इनको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। उन्हें खिलाएंगे तो आप वो बता नहीं पाएंगे आपने बिना गैस जलाए बनाए हैं ये। आप एक बार हमारी तरह से बनाकर देखिएगा, हमारी रेसिपी देखिए कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। देखिए आज हम आपको पेड़े बनाकर दिखाएंगे। देखिए हमने चने का सत्तू ले लिया है, आज हम चने के सत्तू से आपको पेड़े बनाकर दिखाएंगे। अगर आपके पास चने का सत्तू नहीं है तो आप चने लेकर के उसके छिलका उतार दीजिए और उसको आप मिक्सी में बारीक कर करके पाउडर तैयार कर सकते हैं और आपका चने का सत्तू तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा कितना अच्छा सत्तू है, ये हमने एक कटोरी सत्तू ले लिया है। देखिए इसे हम बाउल में करेंगे, दो चम्मच इसमें हम देसी घी डालेंगे। ज़्यादा आपका पतला घी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे आधी चम्मच। देखिए हमने चीनी लेकर के उसको मिक्सी में बारीक पीस लिया है। देखिए कितना पेस्ट बारीक बन गया है हमारी, बिल्कुल चीनी बारीक हो गई है। आप इस तरह से चीनी का पाउडर तैयार कर सकते हैं। हम इसमें आधी कटोरी चीनी का पाउडर डालेंगे, हम आपको नाप कर दिखाएंगे। देखिए आधी कटोरी हमारी चीनी का पाउडर है, ये भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। अब सब चीज़ को हम मिक्स करेंगे। देखिए इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, ये काजू बादाम पिस्ते हमने काट लिए थे पहले से ही, आप कुछ भी अपने अनुसार डाल सकते हैं। हम इन सबको मिक्स करेंगे। ये पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आज हम आपको बिना गैस जलाए बना करके दिखा रहे हैं। अच्छे से हमने मिला लिया है, अभी हमारा बिखरे बिखरे हैं। अभी हम इसमें एक चम्मच घी और डालेंगे, आपस में मिक्स करेंगे। बिल्कुल हमें टाइट डो बनाना है जिससे हमारे पेड़े बनने लगे। देखिए हमारे 3 चम्मच घी में डो तैयार हो गए हैं। देखिए अच्छे से टाइट हो गया है बिल्कुल। ये पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को यकीन नहीं होगा आपने ये बिना गैस जलाए बनाए हैं। आपकी मर्जी है आप इसमें कितने पिस्ते बादाम डालें या नहीं डालें, आप बिना ड्राई फ्रूट भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालेंगे तो आपको और अच्छे लगेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा डो तैयार हो गया इसका, अब हम आपको पेड़े बनाकर दिखाएंगे। इसमें टाइम बहुत कम लगता है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरह से हम इसकी एक लोई लेंगे, इस तरह से गोल गोल पेड़े बनाएंगे। देखिए हमारा गोल पेड़ा बन गया है। इस तरह से हम इसमें हल्का सा दबाएंगे और देखिए पेड़ा बनके तैयार हो गया है। हम इसे रख देंगे और हम दूसरा पेड़ा भी इसी तरह से बनाएंगे। आपके बहुत ही इजी तरह बन सकते हैं। अगर आपको मंदिर में या कहीं ले जाने हैं तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। देखिए दूसरा पेड़ा भी हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। आप कितने छोटे या कितने बड़े कितने कैसे बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे हमारे पेड़े बनकर तैयार हो गए, कोई यकीन नहीं करेगा हमने बिना गैस जलाए बनाए हैं। कितनी इजी से हमारे इजी तरीके से पेड़े बन रहे हैं, जिसको नहीं आती वो भी बना सकते हैं। देख सकते हैं आप कितने सारे पेड़े बना लिए हमने। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और इसमें कोई ज़्यादा काम भी नहीं है, बिल्कुल बनकर इजी तरीके से तैयार हो गए हैं।
देखिए, और भी हम इसी तरह से बना लेंगे पेड़ों को। सिर्फ इस तरह से करके हल्का सा दबाव करना है और देखिए हमारा पेड़ा तैयार है। देखिए सारे पेड़े हमारे बिल्कुल ईजी तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे पेड़। देखिए अब इसमें हम ड्राई फ्रूट लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम एक बादाम लगाएंगे। ये बहुत अच्छे पेड़े लगते हैं खाने में, कोई आपको यकीन नहीं करेगा आपने किस तरह से बनाए हैं। अगर आपको मंदिर में कहीं प्रसाद के लिए बनाने हैं तो आप बिल्कुल मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके पेड़े झटपट तैयार हो जाएंगे, ना ही गैस जलानी है, ना ही आपको दूध डालना है, ना ही मावा चाहिए, आपके मिनटों में बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे हमारे पेड़े लग रहे हैं और कितने टेस्टी बने हैं हमारे पेड़। देखिए हमारा मीठा कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। अगर आपके बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमें मीठा चाहिए तो आप इस तरह से मिनटों में बनाकर खिला सकते हैं बच्चों को बिना गैस जलाए। तो देखिए कितनी ईजी तरीके से बन गया है। बस आपको अगर चने का सत्तू आपके घर में रखा है तो आप मिनटों में बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आप चनों को पीस कर भी बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। देखिए कितनी जल्दी बनकर हमारे पेड़े तैयार हो गए हैं। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा, बनाकर देखिएगा, दोस्तों को में शेयर करिएगा कि हमारे पेड़े कैसे लग रहे हैं। आपको बताइएगा हमें कमेंट में लिख के। हमारे वीडियो शेयर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।